वेलकम बैक टू अनबॉक्स हैप्पीनेस विद मी विजया। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे घर का हालत थोड़ा सा मैसी है क्योंकि लगातार पार्टीज थी हस्बैंड के कलीग के घर में। तो सब आज थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। तो किचन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा साफ़ सफाई करना है वहाँ भी। तो दिवाली भी आ रही है तो साफ़ सफाई करना तो ज़रूरी है। बट दुर्गा पूजा के टाइम मैंने थोड़ा सा पहले ही कर लिया था, तो ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा बस टचअप करना है और कुछ नहीं। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैं हर बार भूल जाती हूँ कि मुझे डस्ट एलर्जी है और साफ़ सफाई करने के बाद मेरा अक्सर तबीयत ख़राब हो जाता है, तो मैं मास्क पहनने वाली हूँ डस्टिंग के टाइम। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मास्क पहन के साफ़ सफाई का काम कीजिए। स्पंज को एक गुनगुने पानी के बाउल में डिप करूंगी और ये पूरा साफ कर दूंगी। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे बताया मैंने दुर्गा पूजा के टाइम साफ़ सफाई ऑलरेडी कर रखा था। As you can see, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बस एक स्टेन पड़ा हुआ। बस अभी नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, आपको शायद मेरे मास्क की वजह से आवाज़ ना आए, अगर नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूंगी। अभी नेक्स्ट एक और एक साफ कपड़ा लेके मैं और एक बार इसको साफ करूँ। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड जॉब है, हम हर 3 साल में अपना क्वार्टर चेंज करना पड़ता है। हस्बैंड ये गवर्नमेंट क्वार्टर, बट यहाँ हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ कुछ भी मैंने अपने इन्वेस्टमेंट से ख़रीदा नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ रहता है यहाँ। हर एक चीज़ का सुविधा का ध्यान रखा जाता है और छोटी मोटी चीज़ जो आपको ज़रूरत होती है वो खुद से भी आप इधर कर सकते हैं उसको। तो अभी बस मैं इसमें सारे बर्तन फिर से सेट करने वाली हूँ। तो साफ करके मैंने बर्तन का स्टैंड में वापस सारे बर्तन रख दिए हैं। तो मैं जो कंटेनर मेरे पास है मसाले का, जो भी दाल वगैरह, उसको एक बार साफ करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस गरम कपड़े, मतलब गरम पानी से उसको एक बार वॉश करेंगे ऊपर से और एक कपड़े से बस साफ कर दूंगी। और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये मेरे किचन में क्या कर रहा है। अभी आया था मेरे हस्बैंड का कॉल, उन्होंने बोला कि आज थोड़ा सा उनको फ्री टाइम मिलने वाला है, तो जल्दी से काम ख़त्म करके फ्री होने के लिए, ताकि हम लोग दिवाली का थोड़ा डेकोरेशन या जो भी दिया विया लेना है उसका शॉपिंग करने हम लोग बाहर जाने वाले हैं। ज़्यादातर जो गंदगी बैठती है वो जो तेल का यूज़ करते हैं हम लोग, उसी गंदगी होती है। तो थोड़ा सा अगर गर्म पानी से हम लोग इसको साफ करें तो वो ईजिली क्लीन हो जाता है। जब मुझे आया था तब मैंने गर्म पानी के साथ थोड़ा सा सर्फ भी डाला था, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गया। तो
दिवाली आने तक ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, तो मैंने इस टाइम तो पानी में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गुनगुना सा गर्म पानी से ही साफ कर रही हूँ। तो मैं किचन में ऐसे यूज एंड थ्रो वाले प्लेट और ग्लास हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पानी का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ, तो पानी नहीं आता है, तो उस टाइम ये लाइफ सेवर का काम करता है। सारे कंटेनर्स अच्छे से साफ हो चुके हैं, अभी मैं इसको फिर से वापस सेट करने वाली हूँ। तो ऊपर वाला काउंटर तो साफ हो चुका है, अब बारी आती है ये मिडिल वाले पोर्शन की। माँ के हाथ का बना हुआ अचार सबके घर में होता है, सब छुट्टी जाते हैं जब कुछ ना कुछ माँ के हाथ का बना हुआ जरूर लाते हैं। एक्चुअली मैं जो माँ के हाथ का बना हुआ अचार ऐसा कोई भी सामान के बारे में मैंने जो बोला है, वो सिर्फ हम जो घर लाते हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने आस पड़ोस में जो भी रहते हैं, जो फ्रेंड हैं हमारे, हम उनके लिए भी लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक बहुत अच्छी दीदी हैं, वो घर गई थी, तो वो अपने लिए तो लाई, मेरे लिए भी, मुझे जो अचार मीठा अचार पसंद है मुझे आम का, वो अपनी मम्मा से खास बनवा के मेरे लिए लाई। तो ना क्वार्टर कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है, आप अगर जब क्वार्टर में रहना शुरू करते हैं, एक्चुअली अपने लोगों से तो आप दूर हैं, तो क्वार्टर में जो आस पड़ोस में जो रहते हैं वही आपके भाई, वही आपकी बहन दीदी, वो लोग सब बन जाते हैं। आपका तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, आपके घर से उतने दूर से तो शायद आपके पास कोई हो नहीं पाता है, लेकिन आपके आस पड़ोस में एक दो जन अगर ऐसे अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए तो वो फैमिली मेम्बर्स की जो कमी होती है वो वहीं पूरी हो जाती है। किचन के कंटेनर्स के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट तो करती नहीं हूँ, वैसे मुझे अच्छा लगता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे चीज़ें रीयूज़ किया जाए। तो कोई भी डब्बे में आने वाला जो भी सामान है, अगर मुझे लगता है कि वो मैं फिर से यूज़ कर सकती हूँ, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट ख़त्म होता है मैं उस कंटेनर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर से उसको रीयूज़ करती हूँ। तो मेरे किचन में आपको कोई सेम मैचिंग कंटेनर तो नहीं मिलेगा, बट ऑलमोस्ट सारे टाइप के ही मिल जाएंगे, कुछ मैचिंग भी मिल जाएंगे, कुछ अलग अलग जो अचार के कंटेनर आते हैं मेयोनीज वाले, वैसे कंटेनर्स में भी आपको मसाले वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो किचन में मैं दो टाइप का मिर्ची के पाउडर का यूज़ करती हूँ, एक तो करती हूँ जो नॉर्मल तीखी मिर्ची आती है वो वाली, जो कि मैंने अभी डाला जो आपने देखा, और सेकंड मैं यूज़ करती हूँ जो कि मतलब मैं जब कोलकाता जाती हूँ तभी मैं वहाँ से ख़रीद के लाती हूँ, वो है ये एवरेस्ट का कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें तो तीखापन तो नहीं होता है, बट इसको थोड़ा सा अगर खाने में अगर आप डाल देते हो तो जो रेड कलर जो आप सोचते हैं खाने में कैसे लाए, और बहुत जन कलर वाला यूज़ कर लेते हैं, तो वो वाला इससे कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये एक मेयोनीज का एक कंटेनर है, मैं इसी में ये वाला चिली पाउडर डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र आते रहता है, तो इतना कंटेनर के पीछे मैं इन्वेस्ट नहीं करती। ये वाला जो कंटेनर है ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला। इसमें आप एक साथ चार टाइप के दाल रख सकते हैं, कम से कम आधा किलो दाल इसमें अच्छे से आराम से पकड़ लेता है, आधा आधा किलो अलग अलग टाइप के
चार दाल आप इस कंटेनर में रख सकते हैं। तो मिडिल सेक्शन भी अच्छे से साफ हो चुका है और मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। अब बारी आती है इस लोअर सेक्शन की। तो ऐसे जो बर्थडे केक के नीचे जो ये वाला चीज मिलता है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट मैं ये फेंकती नहीं हूँ। ये किसी ना किसी काम में आ जाता है। मैं जब कुकिंग वाले वीडियोस बनाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा शायद, कि मैं गैस ओवन के पीछे भी इसका जो बड़ा वाला लास्ट टाइम समायरा के बर्थडे में आया था, इससे भी बड़ा है वो मैं गैस के पीछे रखती हूँ। तो जो तेल के छींटे आते हैं ना, वो डायरेक्ट इस पर पड़ते हैं। जो गैस के पीछे की तरफ जो मैंने तेल के डब्बे ये सब रखे हैं, उस पर छींटे नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इस पर पड़ते हैं। तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो नीचे वाला काउंटर भी साफ हो चुका है और मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया है। ये बास्केट पहले उस कोने में था और वो सेटअप यहाँ था, मैंने उसको वहाँ कर दिया और बास्केट को यहाँ पर। कुछ दिन मैं रखूँगी, अगर मुझे यहाँ कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसको यहीं रहने दूँगी, नहीं तो फिर से मैं वापस इसको चेंज कर दूँगी। वैसे भी मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। ये जो पूरा सेटअप मैंने किया है, ये अगर उनको पसंद नहीं आया तो ये आपको फिर से थोड़ा सा चेंज दिख सकता है। तो गवर्नमेंट क्वार्टर का किचन का क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग कुछ इस तरीके से मैंने किया है। ये पहले कुछ इस तरीके का मैसी लग रहा था, और अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है। बहुत सा कलर यहाँ वहाँ से थोड़ा ख़राब सा हो गया है तेल की वजह से, तो हम सोच रहे हैं इसको फिर से टाइम मिलते ही हम लोग थोड़ा किचन को कलर कर देंगे। इतना गंदा है नहीं नीचे, क्योंकि ये रेगुलर का मेरा रूटीन है, हर दो दिन बाद ऐसे गैस के नीचे साफ सफाई मैं करती रहती हूँ। तो गैस वाला एरिया भी पूरा साफ हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था, इसके पीछे काफ़ी ये तेल है, फॉक वगैरह, साफ सफाई की जो चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं मैंने। तो नीचे वाला एरिया भी मैंने सेट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं बाहर का जो भी डेकोरेशन वाला चीज़ खरीदूंगी वो आपको दिखाऊंगी। तो हम यहाँ बाहर जा रहे हैं। समायरा बहुत ही खुश लग रही है क्योंकि उसे बाहर जाने का मौका बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ एक बंजारों का ग्रुप खड़ा था, इतना प्यारा प्यारा सा लटकन वाला सेट लेके मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है यहाँ से। इस शॉप में भी बहुत सारे जो हैंगिंग वाले डेकोरेशन वाले चीज़ हैं
वो बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारे के सारे ले लूँ, बट मैंने थोड़े से ही यहाँ से लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ कितने सुंदर सुंदर से डेकोरेशन वाले आइटम्स थे। तो इसी शॉप से मैंने कुछ दिए भी लिए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा डू लेट मी नो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।